नमस्कार, खबर देश बुलेटिन सुंदर स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते पेश इस वेले दियां खबरां। पाकिस्तान ने बल संघर्ष विराम की उल्लंघना करदे होई जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर च लगातार गोलीबारी करा करदे न। भारतीय सेना के जवान ने रिहायशी इलाके की निशाना बनाइए पाकिस्तान आसिया गोलीबारी से मोर्टार शेलिंग की जा करती है। सेना इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया करती है। गोलीबारी के चलते इलाके के लोगों च डर त्राह बने रहे ते कब्जा रेखा करने लगे सब ने स्कूलें की बंद कर दिता गया है। यह गोलीबारी बडले तकरीबन 8 बजे शुरू की गई ही। बहुत बड़ी चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, थोड़ा थोड़ा इधर से भी चलता है वरना पाकिस्तान से ज़्यादा आ रही है। तो बच्चों को खतरा है, वापस चले गए हैं स्कूल। अमरीका के एक सीनियर जनरल ने आख्या है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकवादी गुटे कन्ने सरबंध एन ते वो अपनी विदेश नीति तय करा करती है। इस सामूहिक सुनवाई दौरान अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल जोसफ डनफोडो ने सशक्त सीनियट विदेश सरबंधी की कमेटी के सदस्यों की दस है जे वो इस गल्ला की मनते हैं जे ISI के आतंकवादियों कन्ने सरबंध एन। इसे दौरान सार्वजनिक तौर पर यह गल पहली बारी मंदी हुई। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिसन और आख्या है जे ISI अपनी नीति आपो तय करती है ते ऐसा नहीं लगता जे उदे पर सरकार का कोई नियंत्रण है। अमरीका ने आख्या है जे वह अफगानिस्तान च चलारदे युद्ध च दक्षण एशिया मुल्क पाकिस्तान उपर सहयोग देने लई दबाव पाने किते उसी दित्ती जाने वाली मदद बंद करी सकदा है। जिफी इस्लामाबाद दे नॉन नेटो सहयोगी होने दे दर्जे की भी हटाया जाई सकदा है। अमरीकी रक्षा सचिव जेन मैटिसन होरे अज सीनेट दी सशस्त्र सेवाएं सरबंधी कमेटी दे सदस्यों की सभा च ए सुनने परंत गलाया जे वाशिंगटन दे पाकिस्तान कन्ने सरबंध आतंकवाद कन्ने लड़ाई च पाकिस्तान आसिया दित्ते गए सहयोग उपर निर्भर होंगन। उन्हें आख्या जे अमरीका पाकिस्तान थमां नॉन नेटो सहयोग देने का दर्जा वापस लेने बारे भी विचार करी सकदा है। उन्होंने आख्या जे इस दर्जे दे चलदे अमरीकी फौज से हथियारें तोड़ी पाकिस्तान की तेजी कन्ने पहुंच लई सीमित ला हासिल कराए जांदे ने। ट्रंप प्रशासन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे दे सरबंधें च भारत आसिया किते गए विरोध का समर्थन करते हुए गलाया है जे ए गलियारा एक विवादित क्षेत्र थमां होइए गुजरता है, इस करी कोई भी मुल्क नया कोई रस्ता तैयार करने च अपनी शर्तां कुसे दुए मुल्क थमां जबरदस्ती नहीं मनवाई सकता। इस बारे च मई महीने बेल्ट एंड रोड फोरम की जड़ी बैठक लगी ही, भारत ओदे च अपनी अखंडता के दिखते हुए शामिल नहीं हुआ हा। $60 बिलियन आली ए मती महत्वाकांक्षी योजना मकबूजा कश्मीर थमां होइए लंघोग। अमरीकी रक्षा सचिव होरें अज सीनेट की सशस्त्र सेवा कमेटी के सदस्यों की इस बारे जानकारी दित्ती। श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल फिदायन हमले च मारे गए BSF ते ASI की अज सुरक्षा बलें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीनगर की हुमहुमा थारे पर एक श्रद्धांजलि समारोह च फुल चाढ़िए शहीद ASI BK यादव होरें की श्रद्धांजलि दी गई। BSF के डायरेक्टर जनरल KK शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी ते और ने सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा DGP SP वैद होरें भी शहीद जवान की श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह ते शिक्षा मंत्री अल्ताफ बुखारी और भी शहीद जवान की श्रद्धांजलि देने आले लोगों च शामिल है। स्वच्छता की सेवा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के निबंध लेखन प्रतियोगिता च सांबा की शिखी संभ्याल ने पहला थार हासिल करिए अपने इलाके के माता पिता का मान बधाई दिता है। 2 अक्तूबर की गांधी जयंती के ध्याड़े स्वच्छ भारत अभियान के 3 बरे पूरे होने पर नवी दिल्ली के विज्ञान भवन च लोए गए इस समारोह दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शिखी की इनाम देइए सम्मानित किया। NCC कैडेट वर्ग च एकड़ा इनाम हासिल करने वाली शिखी की स्मृति चिन्ह से प्रशस्ति पत्र के अलावा 50,000 रूपये का नकद इनाम भी दिता गया है। प्रधानमंत्री हुंदे हत्था इनाम लैने पर शिखी बड़ी मती उत्साहित है। उसका गलाना है जे स्वच्छ दिल ते आत्मा कन्ने के देश की स्वच्छ बनाया जाई सकता है ते नकारात्मक सोच आले कदे भी मुल्खा की स्वच्छ नहीं बनाई सकते। मैं पार्टिसिपेट किया मैंने एंड इसमें 17 डायरेक्टरेट्स थी और मेरा इसमें फर्स्ट रैंक रहा है।
लोगों को ये मैसेज दें कि उनको भी अपने आसपास को साफ रखना है, क्योंकि अगर वन हैंड कुछ चेंज ला सकता है तो हैंड इन हैंड बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। तो इसलिए मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने आसपास पे सफाई रखें। कठुआ दी जिला पुलिस दे मुख दफ्तर उपर पुलिस ते मकामी नौजवानें दी इक बैठक लगी। बैठक दौरान डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर्स एसए संभियाल ते एसएचओ अनिल शर्मा होरें शहरा च कानून व्यवस्था बनाई रखने दे अलावा नशीले पदार्थें ते पशु तस्करी की रोकने दे उपाय पर नौजवानें कन्ने चर्चा कीती। इस मौके पर नौजवानें शहरा अंदर बाहरले इलाके थमां आने वाले लोकें दी लगातार बढ़दी संख्या उपर चिंता प्रकट करदे होए आखिया जे इन्हें लोकें दी जांच पड़ताल ते पंछान यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा जिन्हें और मामले पर चर्चा की गई उनके च पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक का बोझ, आवारा पशुओं का मुद्दा, शॉपिंग मॉल के आले दुआले भीड़ कट्ठी होने के मामले शामिल। नौजवानों का इस मौके पर आह्वान किया गया जे वो इन समस्याएं कन्ने निबड़ने लई पुलिस कन्ने सहयोग करन। डोडा च अज थमां पीर पंचाल कबड्डी लीग 2017 शुरू हुई। सेना की तरफा आयोजित इस लीग च डोडा, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, नौशहरा, राजौरी ते पुंछ थमां आई दियां 7 टीमां हिस्सा लै करदियां। डोडा के खेड स्टेडियम च आयोजित इस लीग प्रतियोगिता का उद्घाटन सेना के मुकामी यूनिट के कमांडिंग अफसर होरें कीता। इसका मकसद जम्मू प्रांता के खिडारियों की प्रतिभा की सामने आने का एक मौका प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता लई सारा प्रबंध सेना की तरफा किया जा करता है ते इसका फाइनल मुकाबला 7 अक्तूबर की कराया जाएगा। खबर इस बुलेटिन च बस इन्ना के नमस्कार।